Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says what is the specific heat capacity of melting ice boiling water. Okay, so देखो ये फेस चेंज के एग्जाम्पल है. काइंड ऑफ मेल्टिंग आइस को अगर हम हीट सप्लाई करते हैं देन वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड बॉइलिंग वाटर को अगर आप हीट सप्लाई करते हो देन वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. एंड ये जो फेस चेंज है ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है. यू कैन से कि जो मेल्टिंग आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर में कन्वर्ट होता है, एंड जो बॉइलिंग वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. सो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. दैट्स वाई यहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट डिफाइन नहीं करते, यहाँ पे हम लेटेंट हीट डिफाइन करते हैं. फॉर फर्स्ट केस जहाँ पे जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, सो वहाँ पे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न डिफाइन करते हैं. एंड सेकेंड केस जहाँ पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है वहाँ पे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिफाइन करते हैं. बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट पूछा है देन बाय द डेफिनेशन आप देखो स्पेसिफिक हीट इज़ नथिंग बट हीट सप्लाइड डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर. सो बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट विल बी 0, राइट. सो अगर आप चेंज इन टेम्परेचर को 0 लेते हो देन 1/0 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा. इट मीन्स इट विल बी इनफाइनाइट, राइट. सो यू कैन से मेल्टिंग आइस का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एंड बॉइलिंग वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज़ इनफाइनाइट. आप कुछ फिक्स्ड अमाउंट या कुछ यू नो नॉन ज़ीरो अमाउंट हीट सप्लाई करते हो, बट जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज़ 0. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन. ओके, इसकी वर्किंग एट बेस्ट ऑफ लक. बाय.